गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ नीरू और आज मैं आपसे शेयर करूँगी मेरा हेयर केयर रूटीन बहुत इजी और बहुत सिंपल तरीके से। बहुत ज़्यादा कोई तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल तरीके से आप ऑयलिंग हेयर वॉश कैसे कर सकते हैं, आप हेयर ऑयलिंग करने के टाइम पे कौन सी गलतियाँ करते हैं या फिर हेयर वॉश करने के टाइम पे कौन सी गलती करते हैं जिसकी वजह से आपके बाल झड़ते हैं, वो आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी। और उसका सही तरीका क्या है हेयर ऑयलिंग करने का और हेयर वॉश करने का, वो आज मैं आपसे शेयर करूँगी इस वीडियो में। हम शैम्पू को अच्छी तरह से अपने बालों से नहीं निकाल पाते हैं जिसकी वजह से हमारा हेयर फॉल की प्रॉब्लम बढ़ जाती है और सफ़ेद बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं। जब हम हेयर ऑयलिंग करते हैं तो हम अपने नाखूनों से करने लगते हैं, जबकि हमको अपने फिंगर के टिप से करना चाहिए कभी भी हेयर ऑयलिंग। लेकिन हम क्या गलती करते हैं कि हम नाखूनों से ऐसे ऐसे करने लगते हैं जिसकी वजह से हमारे स्कैल्प बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और हेयर फॉल की प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो ये कुछ गलतियों का हमें बहुत ध्यान देना होता है हेयर केयर रूटीन में। और जब भी हम शैम्पू करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपके बालों में जितने भी शैम्पू लगे हुए हैं उसको अच्छी तरह से वॉश कीजिए। हम बालों में शैम्पू करते टाइम तो बहुत देर तक शैम्पू करते हैं, 5 मिनट या फिर 7-8 मिनट हम अच्छे से शैम्पू करते हैं, लेकिन हम उसे धोने के टाइम 1-2 मिनट में ही अच्छे से धो लेते हैं। इसे आपको ध्यान में रखना है, आपको अच्छी तरह से अपने स्कैल्प में ऐसे ऐसे मसाज करके अपने सारे शैम्पू को निकालना है। तो चलिए आपसे मैं शेयर करूँगी कि मैं अपना हेयर केयर रूटीन कैसे फॉलो करती हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और मेरे वीडियो को एंड तक देखिए। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं मेकअप और हेयर से रिलेटेड वीडियो लाते रहती हूँ अपने चैनल पे। तो चलिए मूव ऑन करते हैं वीडियो में। मैंने अपने बालों में शैम्पू कर लिया है और उसके बाद आप मेरे बालों का टेक्सचर देख सकते हैं, कितने सुंदर और कितने शाइनी लॉन्ग लग रहे हैं हेयर मेरे। और ये हेयर केयर मैंने आपके साथ भी शेयर किया है, तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने कैसे बालों को अपने वॉश किया है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। आपको ऑलवेज इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप अपने बालों में हेयर ऑयलिंग करते हैं तो उससे पहले आप अपने बालों का टेंगल रिमूव कर लें, क्योंकि इससे आपके बाल कम टूटते हैं। और आपको ऐसे सेक्शन बाई सेक्शन अपने बालों में कॉम्ब करना चाहिए, इससे आपके बाल बहुत ही कम टूटते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं हमेशा बालों में ऐसे ही कंघे करती हूँ। मैंने अपने बालों से सारे टेंगल को रिमूव कर दिया है और इसके बाद मैं यूज़ करूँगी हेयर ऑयलिंग। यहाँ पे मैं हेयर ऑयलिंग के लिए पैरासूट का कोकोनट ऑयल ले रही हूँ और ये मैं डेली बेसिस पे अप्लाई करती हूँ। जब भी मैं ऑयलिंग करती हूँ तो यही ऑयल को मैं अप्लाई करती हूँ, ये मेरा फेवरेट ऑयल है। और सबसे पहले मैं इसे अपने रूट्स में अप्लाई करूँगी और अच्छे से अपने फिंगर्स की हेल्प से मसाज करते हुए मैं अपने बालों में अप्लाई कर लूँगी। अगर आप चाहते हैं तो आप हेयर ऑयल को हल्का गुनगुना करके भी लगा सकते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं तो उसमें आप प्याज को कद्दूकस करके और उसका रस मिला के भी अप्लाई कर सकते हैं, वो आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है और आपके बाल उससे झड़ना रुक जाते हैं। यहाँ पे मैं बन बना लूँगी और 1-2 घंटे बाद मैं अपने हेयर को वॉश कर लूँगी। यहाँ पे मैं मग में शैम्पू घोल रही हूँ और आपको भी हमेशा इसी तरीके से शैम्पू को अप्लाई करना होता है अपने हेयर्स में। आपको डायरेक्टली शैम्पू अप्लाई नहीं करना होता है। और मैं अपने बालों को अच्छी तरह से पानी की हेल्प से गीला कर लूँगी और जितने भी ऑयल होंगे मैं उनको मसाज करते हुए अपने बालों से निकालूँगी। और उसके बाद मैं शैम्पू अप्लाई करूँगी। पहले अपने हेयर से सारे ऑयल को मैं रिमूव कर लूँगी फिंगर की हेल्प से, उसके बाद मैं अपने बालों में शैम्पू अप्लाई करूँगी। शैम्पू का सही तरीका यही है कि सबसे पहले आप अपने बालों से सारे ऑयल को या फिर गंदगी को निकाल लें।
और इसके बाद मैं अपने बालों में शैम्पू अप्लाई कर लूँगी। आपको शैम्पू हमेशा अपने फिंगर की हेल्प से स्कैल्प में मसाज करते हुए करना चाहिए, और आपको शैम्पू भी अपने नाखूनों की हेल्प से नहीं करना है, आपको फिंगर की हेल्प से। इसी तरीके से जब आपके रूट्स में अच्छी तरह से आप शैम्पू कर लें, उसके बाद आपको अपने हेयर्स में अप्लाई करना चाहिए। और जब आपको लगे कि आपके हेयर से सारी गंदगी निकल चुकी है, तो उसके बाद कुछ इस तरीके से अपने फिंगर की हेल्प से अपने सारे शैम्पू को इस तरीके से निकालना है अपने हेयर से। और जितना देर आपने शैम्पू किया है, उससे भी ज़्यादा देर आपको अपने हेयर को पानी से वॉश करना है, ताकि अच्छे तरीके से आपके जो भी शैम्पू होगी स्कैल्प में वो निकल जाए। और इसके बाद मैं कंडीशनर अप्लाई करूँगी। इसको आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने रूट्स में अप्लाई नहीं करना है, आपको अपने हेयर्स में अप्लाई करना है। और 5 से 7 मिनट बाद आपको अपने हेयर को वॉश कर लेना है ठंडे वाटर की हेल्प से। और इसको आप अपने स्कैल्प में मत लगाइए। अगर आप अपने स्कैल्प में इसको लगाते हैं, तो आपके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। मैं अपने बालों में कुछ इस तरीके से टॉवल को लपेट लूँगी, और मैं अपने बालों को एयर ड्राई होने दूँगी। और अब मेरे बाल ड्राई हो चुके हैं, मैं अपना DIY सीरम अप्लाई कर लूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय गाइस, लव यू।